अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। तो और का थोड़ा दूर दूर खड़े रहना चाहिए, मैं मुंडे में भरा था उसके। तो भाई अरे ये बैठा लो, नीचे बैठा, नीचे बैठा, सबको आगे आओ, ये तुमको बैठा, सबको आगे। अरे अरे ये बैठा लो, नीचे बैठा, नीचे बैठा, सबको आगे आओ, ये तुमको बैठा, सबको आगे। अरे अभी जी कैमरा पीछे करो, ओम सुपर टेल अभी जी बस जगह रुको, उल्टा कर दो डबल। हां यार देखो, उल्टा उल्टा डबल को उल्टा कर दो। आप देखिए इस पूरे घटनाक्रम में हमारी टीम के जिन लोगों ने अच्छा काम किया, सभी को 5000 रुपए का पुरस्कार से। सर इसमें कितनी टीम लगी थी और किस तरह से पुलिस इन आरोपियों के पास पहुंची? सर इसमें हमारे यहाँ सोनकच्छ की टीम लगातार थाने के काम कर ही रही थी, इसके अलावा देवास से भी साइबर की टीम और अधिकारियों के साथ टीम लगी हुई थी। एसडीओपी मैडम ने कहा भी किसी मामले में लिप्त सर जो छह आरोपी, अभी जो इनके आरोपियों के विवरण निकाले गए उसमें पूछताछ जिक्र है, ज्यादातर लोग उस पर मारपीट के मामले और आपराधिक नीति। सर आरोपियों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? आरोपी ये रहने वाले दौलतपुर और आठपुरिया क्षेत्र के हैं, तो अलग अलग स्थानों से पुलिस ने पकड़ा है और कॉपी आ लिया जा रहा है, फिर आगे पूछताछ किया जा रहा है, पूछताछ में और भी होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पुलिस को थाना समकक्ष में एक घटना रिपोर्ट की, जिसमें पंजाबी हरेंद्र सिंह ने बताया कि वो सरकारी बैंक में काम करते हैं और बैंक का पैसा लेकर जामपुर गाँव से अपने गाँव के पास लगा रास्ते में। ऐसा किया आपने? थाना सोनकच्छ क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें फरियादी हरेंद्र जी थे और ये कोऑपरेटिव बैंक में काम करते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और ये अपने संस्था जामगोद से अपने गांव तालोद जा रहे थे। 1 मई की शाम को ये घटना हुई थी। ये घटना में 17 लाख कुछ रुपए जाना बताया गया था। पुलिस ने इस घटना की काफ़ी बारीकी से जाँच की और लगातार हमारी टीमें इसमें सक्रिय रही। एडिशनल साहब और एसडीओपी मैडम ने मौके का भ्रमण किया, तमाम जो इसमें एंगल आ रहे थे हर एंगल पे लगातार टीम ने वर्कआउट किया और तमाम प्रयास के बाद इस घटना का खुलासा करने में सफलता मिली है, जिसमें 6 आरोपी पकड़े गए हैं, 1 आरोपी फरार है। साथ ही साथ 11 लाख रुपए भी जब्त हुआ है, बाकी आरोपियों का PR लिया जा रहा है और PR के पश्चात पूछताछ में और भी जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, बची हुई राशि भी जब्त करने का प्रयास किया जाएगा। ये आरोपियों को कहाँ से पकड़ा सर, किस तरह से पुलिस टीम इसमें? इसमें तमाम जो मुखबिर होते हैं, मुखबिर के माध्यम से, तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से, पुराने रिकॉर्ड के माध्यम से हर तरीके का इसमें उपयोग किया गया, जिसमें से इसमें सफलता मिली है। जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम पंकज बताया जा रहा है, ये स्वयं इन बैंकों में एक असिस्टेंट के रूप में, इनफॉर्मल असिस्टेंट के रूप में काम करता था, वहीं आसपास रहता था और गांव के लोगों का फॉर्म भरवाना, नियम कानून लोन के संबंध में या चीज़ों के संबंध में बताना ये करता रहता था। तो इसको ये आइडिया था कि कोऑपरेटिव बैंक के जो कर्मचारी रहते हैं, मैनेजर रहते हैं, वो कई बार कैश लेके भी आते जाते हैं, उस लिहाज से फिर इसने घटना ये प्लान किया और बाकी लोगों को भी इसमें जोड़ा। इसमें जो आरोपी स्कूल साहब आए हैं, जिसमें से 6 गिरफ्तार हो गया है, 1 आरोपी की तलाश है। क्या पूर्व के रिकॉर्ड हैं सर इनके? जो इसमें आरोपी हैं, कुछ आरोपियों के पूर्व में मारपीट के रिकॉर्ड हैं और जानकारी बाकी थानों से एकत्रित की जा रही है। थैंक यू।